उत्तर प्रदेश के संभल में ईद उल अजहा की नमाज संभल ईदगाह पर अमन सुकून भरे माहौल में संपन्न हो गई। इमाम साहब ने नमाज अदा कराते हुए शांति व भाईचारे की दुआ कराई। सोमवार को जहां ईद उल अजहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया, तो वहीं संभल की ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। इमाम ईदगाह हजरत मौलाना जहीरुल इस्लाम ने 8:30 पर नमाज अदा कराते हुए फौरन ही खुतबा पेश किया, साथ ही साथ मुल्क में अमन शांति एवं भाईचारे की दुआ कराई। इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कुर्बानी का ध्यान रखें, कहीं भी ऐसी जगह कुर्बानी ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो या ऐतराज़ हो, कोई ऐसा काम न करें जिसको लेकर अमन शांति को ठेस पहुंचे, सुकून के साथ कुर्बानी कर अमन शांति और भाईचारा बनाए रखें, एक साथ रहें, किसी कोई भाव न करें, तो किसी तरह का कोई आपस खिलाफ न करें, मिलजुल कर इस मुल्क में और इस अंदर शांति रहे, हम यही चाहते हैं। इस तरह से कुर्बानी करते हैं को लेकर क्या? कुर्बानी ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पर किसी को कोई एतराज़ ना हो और अच्छी जगह पर करनी चाहिए, किसी तकलीफ ना हो। इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि कोई ऐसा अमल मत करो जिससे लोगों को तकलीफ हो, और पड़ोसी का भी हक अदा करो, चाहे वो कोई भी पड़ोस में हो उसको पूरी तरह वो सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको चाहिए मारने बड़ा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।